आजादी बसपा वगैरह के पार्टी का जब टाइम आया तो फिर उस समय इन्होंने अपना आर्थिक साम्राज्य और आपराधिक जो इनका प्रभाव क्षेत्र था उसको बराबर बढ़ता गया। योगी जी जब आए हैं तब कानून का शिकंजा इन पर कसा गया है और जो पुराने केसेस थे उनमें इनका प्रोसिक्यूशन हुआ है। इनके कुकर्मों का एक ना एक दिन तो अंत होना ही था, वो अंत अब हो गया और योगी जी की सरकार चलती रहेगी जैसा कि पूरी उम्मीद है कि उनकी सरकार चलती रहेगी तो इनका तो मतलब नामो निशान मिट जाएगा इन अपराधियों का। मेरे समय में पहली बार ऐसा हुआ था उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि जब माफिया के विरुद्ध एक सघन अभियान चला था, और मुझे याद है ज़्यादातर जो माफिया थे वो या तो जेल के अंदर थे, दो माफिया पे मेरी पकड़ में नहीं आए जो, और कैसे बच गए वो भी मैं बता दूं। एक तो मुख्तार अंसारी थे, वो भूमिगत हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे, वो कहाँ है अता पता उनका कोई नहीं था। आज की मतलब जैसे बाद में हमारे बाद में वो मूछ पे ताव दे के घूमने लगे थे, वैसी बात नहीं थी। ही वेंट अंडरग्राउंड, ही डिसअपीयर्ड एंड नोबडी न्यू हिज एड्रेस कहाँ है। तो फिर हम लोगों ने उनके घर की कुर्की करा दी थी, पहली बार उनके घर की कुर्की हुई थी मेरे कार्यकाल में। तो ये फिर हम जब हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया उसके बाद समाजवादी बसपा वगैरह के पार्टी का जब टाइम आया तो फिर उस समय इन्होंने अपना आर्थिक साम्राज्य और आपराधिक जो इनका प्रभाव क्षेत्र था उसको बराबर बढ़ता गया। और ये तो फिर बाद में योगी जी जब आए हैं तब कानून का शिकंजा इन पर कसा गया है और जो पुराने केसेस थे उनमें इनका प्रोसिक्यूशन हुआ है। तो ये तो करीब 3 दशकों से मतलब चले आ रहे थे और इनके कुकर्मों का एक ना एक दिन तो अंत होना ही था, वो अंत अब हो गया। और ये दूसरे अपराधियों के लिए सबक होना चाहिए कि भाई आपका हर आदमी का आपकी एक एक लाइफ टाइम है, एक 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 स्पैन है, इतने दिन आप चलेंगे उसके बाद तो आपको ख़त्म होना ही है और आपका भंडाफोड़ भी होना है। आतंकवादियों का भी यही होता है, 2 से 4 साल तक उनकी लाइफ रहती है, उसके बाद कब पकड़ जाए कब ख़त्म हो जाए कोई ठिकाना नहीं। तार अंसारी का साम्राज्य जो है वो अब ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल तो ख़त्म होता नज़र आ रहा है और अगर योगी जी की सरकार चलती रहेगी जैसा कि पूरी उम्मीद है कि उनकी सरकार चलती रहेगी तो इनका तो मतलब नामो निशान मिट जाएगा इन अपराधियों का। और मैं समझता हूँ मतलब योगी जी का जो डंडा चला है उसका प्रभाव दिखने लगा है और आम जनता ये समझने लगी है कि अब लॉ एंड ऑर्डर है और रूल ऑफ लॉ यहाँ अप्लाई करता है। और यहाँ पे आप ये चाहें कि समाज को यू होल्ड द सोसाइटी टू रैनसम, और आप हर जो ऑक्शन होता है उसमें आपका हाथ रहे और हर ठेका आपको मिल जाए और सैंड माइनिंग भी आपको मिल जाए और फिशरीज भी मिल जाए और सब पे आपका एक पकड़ है, आर्थिक साम्राज्य जो खड़ा कर रखा था ये तो ध्वस्त होता जा रहा है और मैं समझता हूँ योगी जी के कार्यकाल में ही नेस्तनाबूद हो जाएगा।